नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। खालिस्तानी संगठन जो पंजाब को भारत से अलग करने की बात करता रहा है, उससे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल फंडिंग ले ली है, और ये थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 133 करोड़ की फंडिंग है। ये बात दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना कह रहे हैं। वीके सक्सेना ने कहा है कि केजरीवाल ने बैन किए गए आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पॉलिटिकल फंडिंग ली है, और अब इसी को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। वीके सक्सेना का कहना है कि उनके पास वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव आशु मुंगिया की शिकायत आई थी, जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी आतंकी समूहों से 1.6 करोड़ डॉलर यानी 133 करोड़ रुपए लिए थे, ताकि देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई कराई जा सके। इस शिकायत के आधार पर एलजी ने यह सिफारिश की है। दरअसल देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर 1993 में दिल्ली में हुए भीषण बम धमाकों का दोषी है। उसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 1993 में उसने मनिंदरजीत सिंह बिट्टा को निशाना बनाकर बम ब्लास्ट किया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। वे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का आतंकी है। वहीं आम आदमी पार्टी खालिस्तानी आतंकी समूहों से पैसे और देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के आरोपों का खंडन कर रही है। आप नेता स्वरा भारद्वाज ने कहा है कि चुनावी मौसम में एलजी साहब हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एलजी के संवैधानिक ऑफिस का दुरुपयोग है। इस मामले में हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग करने वाली एक याचिका को 2 साल पहले हाईकोर्ट खारिज कर चुका है, तो फिर आखिर क्यों एलजी इस बात को कह रहे हैं। फिलहाल एलजी और आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से तनातनी देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता देते हैं कि एलजी के पास वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया की जो शिकायत आई, उस लेटर में आखिर क्या-क्या लिखा गया है। दरअसल 1 मई को एलजी के पास वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया ने एक शिकायत भेजी थी। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपके पूर्व कार्यकर्ता डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा के कुछ पोस्ट का प्रिंट आउट, एक लेटर और एक पेन ड्राइव भी थी। अपनी शिकायत में आशु मोंगिया ने पेन ड्राइव के साथ एक वीडियो का भी जिक्र किया था, जिसमें खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस का फाउंडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी समूहों से 1.6 करोड़ डॉलर यानी 133 करोड़ 60 लाख रुपए की फंडिंग ली है। इसमें यह दावा किया गया कि 2014 में केजरीवाल ने न्यूयॉर्क के गुरुद्वारा रिचमंड हिल में खालिस्तान समर्थक सिखों से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में केजरीवाल ने वादा किया था कि अगर आपको खालिस्तानी समूहों से फंडिंग मिलती रहेगी, तो वो देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई में मदद करेंगे। शिकायत में ये भी लिखा गया है कि मुनीश कुमार रायजादा, जो कि 2014 में आप कार्यकर्ता था, उन्होंने एक्स पर कई ट्वीट्स में न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल गुरुद्वारे में अरविंद केजरीवाल और सिख नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की थी। मुनीश ने अपने ट्वीट्स में ये कंफर्म किया था कि पब्लिक मीटिंग्स के अलावा इस गुरुद्वारे में केजरीवाल ने खालिस्तान समर्थक सिख नेताओं से अकेले में भी मुलाकात की थी। और तो और, लेटर में यह भी लिखा गया है कि केजरीवाल ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर भुल्लर के लिए दया की याचिका भी की थी। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से इकबाल सिंह के नाम लिखी एक चिट्ठी को भी शामिल किया गया। दरअसल 27 जनवरी 2014 को लिखी इस चिट्ठी में लिखा है कि हमारी सरकार इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि न्याय मिल सके। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा था कि दिल्ली सरकार ने पहले ही भुल्लर की रिहाई की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज दी है। इसके साथ ही ये भी लिखा गया था कि दिल्ली सरकार एसआईटी के गठन जैसे अन्य मुद्दों पर भी काम करती रहेगी। वहीं एलजी को मिली शिकायत में लिखा है कि उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भुल्लर की रिहाई के लिए इकबाल सिंह दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहा था, जब उसे केजरीवाल की तरफ से चिट्ठी मिली थी, तो उसने अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया था। अब इस पूरे मामले को लेकर एलजी ने गृह मंत्रालय के नाम एक पत्र लिख डाला है, जिसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी पर लगे इन आरोपों की गहराई से जांच की जाए। एलजी कार्यालय ने लिखा कि ये आरोप मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए हैं, और भारत में बैन एक आतंकी संगठन से एक राजनीतिक दल को मिले फंड से ये मामला जुड़ा है। इसलिए जो सबूत शिकायतकर्ता ने दिए हैं, उनकी फॉरेंसिक समेत हर तरह से जांच की जाए। एलजी ने गृह मंत्रालय से अपील की है कि शिकायतकर्ता ने बेहद गंभीर और संवेदनशील आरोप लगाए हैं, लिहाजा आरोपों की जांच एनआईए से कराई जाए।
क्योंकि सिख फॉर जस्टिस भारत विरोधी काम करता है और सिख फॉर जस्टिस का फाउंडर गुरपतवंत सिंह पन्नू पहले ही ये दावा कर चुका है कि खालिस्तानी समूहों से $1,06,00,000 यानी 133,60,00,000 रुपए की फंडिंग केजरीवाल ने ली है। दरअसल सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ सिखों के लिए अलग खालिस्तान की मांग करने वाला एक संगठन है। 2007 में अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू SFJ के संस्थापकों में से एक है। SFJ अपने अलगाववादी अभियान रेफरेंडम 2020 के तहत पंजाब को भारत से मुक्त कराने की बात करता है, यानी भारत से अलग करने की बात। SFJ ने अपने अगस्त 2018 में लंदन डिक्लेरेशन में भारत से अलग होने और पंजाब को एक स्वतंत्र देश के रूप में फिर से स्थापित करने के सवाल पर दुनिया भर में रहने वाले सिख समुदाय के बीच पहला जनमत संग्रह कराने की घोषणा की थी। SFJ ने नवंबर 2020 में जनमत संग्रह के लिए वोटिंग कराने की बात भी कही थी। पंजाब के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, केन्या और मध्य पूर्वी देशों के प्रमुख शहरों में इसे आयोजित करने की योजना भी बनाई गई थी। वहीं रेफरेंडम 2020 नाम से बकायदा एक वेबसाइट बनाई गई थी। इसमें लिखा गया था कि एक बार जब भारत से आजादी को लेकर पंजाबी लोगों के भीतर आम सहमति बन जाएगी तो हम पंजाब को एक देश के रूप में एस्टेब्लिश करने के लक्ष्य के साथ संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संपर्क करेंगे। और इन्हीं अलगाववादी गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2019 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत SFJ पे बैन लगाया था। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में SFJ पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है, साथ ही विदेशी धरती पर सुरक्षित ठिकानों से काम कर रहा है और दुश्मन देशों का उसे समर्थन मिल रहा है। पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया। 2020 में सरकार ने SFJ से जुड़े 40 से ज्यादा वेब पेज और यूट्यूब चैनलों को भी बैन कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर SFJ और पन्नू चर्चा में हैं, क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर खालिस्तानी संगठनों से पैसे लेने के आरोप लगे हैं। फिलहाल अभी इस मामले की जांच करने की बात कही गई है, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में इसकी वाकई जांच होगी और अगर जांच होगी तो आखिर कब तक इसका सच सामने आ पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।